अल्लाह जानता है, या वो शख्स कि वो आंसू कितने तकलीफ दे होते हैं जो बाइट पिकने के बजाय अंदर गिरते हैं। अगर ये ज़िंदगी आरजी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं, बस तुम अपने रब के शुक्रगुजार रहो। मैं अल्लाह से कतरा कतरा नहीं समंदर मांगता हूँ, मैं अल्लाह से बेहतर नहीं बेहतरीन मांगता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब उसके इख्तियार में है। बातों को भुला देने की आदत डालिए, हर बात को याद रखना अपने जहन को कबाड़ खाना बनाना है। खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ा भी कमाल है, सब कुछ दे कर कहता है कोई मांगने वाला। हम इतना ज़ोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना ज़ोर दूसरों को अपने से ज़्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। आजकल बुरके ऐसे हो गए हैं कि इन पर एक और बुरका पहनना ज़रूरी है। छोटे छोटे शिकों से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो मोती ही रहता है, वो गर्ज अगर आसमान पे भी चढ़ जाए तो भी बेकीमत है। अपने आप को और दूसरों को धोखे में रखने से बेहतर है कि रिश्ते इस हद तक रखो जहां तुम्हें बार बार सफाई ना देना पड़े। खौफ़ खुदा देखना है तो मुसलमान का देख, जो रोज़े में वुज़ू का पानी मुंह में पानी लेकर भी पीता नहीं है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह रोने वालों को। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लो। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो, अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे।